अरे जो साधु बाबा लोग गोस्वामी लोग हैं, अब लंच के लिए उनको छुट्टी कर। दोस्तों चाहे लालू प्रसाद यादव हो या मुलायम सिंह हो, उनकी कभी योगी जी से बनी नहीं, पॉलिटिकल रूप में राजनीतिक रूप में कभी बनी नहीं। दोनों एक दूसरे की विचारधारा के विरोधी थे और कभी कभी संसद में ऐसा माहौल देखने को मिल जाता था जब दोनों आमने सामने आते थे, जैसे देखेंगे आप इस वीडियो में। आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ है। बात सुनिए महोदय, करेक्ट कर देंगे आडवाणी जी, सुधार देंगे आडवाणी जी। सीता स्वयंवर हो रहा था, कौन धनुष को तोड़ेगा, डंका बज गया, भारी भारी भूप जुट गए। सीता हमारी माँ, भारत की बेटी, माला हाथ में, चारों तरफ वीर लोग बैठे हुए हैं, मेरे गर्दन में डाल देगी, मेरे गर्दन में डाल देगी। सब जगह से रिजेक्टेड होते होते नारद राम नहीं बोलने देगा, ये लोग नहीं बोलने देंगे, इसीलिए जल्दी वोटिंग आज कराइए। अभी 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 रिजल्ट इन लोग का हम लोग सुना दें, अभी वोटिंग कराइए, नहीं बोलने देंगे। मगर अगर ये गलत प्लीज बैठे उन वीरों में नारद जी भी थे, नारद जी भी उन वीरों में थे। जब वो रिजेक्ट हो जाए तो फिर आगे आके बैठ जाए। तो किसी ने कहा कि अपना चेहरा देखो आईना में, ये मजाक हो रहा है, इसलिए प्रतीक्षा में बैठे हुए। प्लीज इसलिए महोदय प्रधानमंत्री अभी लालच में पड़े हुए हैं। अब आप ऐसा कीजिए, क्या करें? अब क्या है ये नतीजा, आप लंच के लिए एडजस्ट नहीं किया, इसके लिए वो सब नतीजा पा रहे हैं, इसलिए आप जरा जल्दी से खत्म कीजिए। लंच के बाद रखिए, इनको खिलाइए पहले। नहीं नहीं आप है ना, आप खत्म कीजिए। महोदय मैं ये बोल रहा था संक्षेप में, एकेडमिक डिस्कशन प्लीज। महोदय महोदय प्रधानमंत्री जी, मैं इसलिए कह रहा था कि जितने उधर लोग हैं आपको था नहीं लगने दे रहा, लोग बता नहीं रहा है, जमीन खसक चुका है आपका, आपको झूठ मूठ के नारद मोह में डाले हुए लोग। नारद मत बनिए, नहीं है जमीन, जहां आप खड़े थे जमीन खसक गया। जयललिता जी के साथ कम अपमान आपने किया, मुकदमा पर मुकदमा लटका के रखो, क्लच में रखो, लोगों का शासन करते रहो। इसलिए आपको सुझाव है मेरा, फिर मैं कहता हूं सुझाव, अरे सुनो बैठो प्लीज, मेरा सुझाव है आपको कि आप कल 11 बजे वोटिंग है, खरवास कल उतर गया, खरवास 14 तारीख है, परसों 14 तारीख को हम लोग का हिंदू भाई लोगों का खरवास उतर गया, सतुआन होता है, आम का टिकोड़ा खाओ के सत्तू वत्तू, यही हमारी संस्कृति, यही हिंदुत्व, उसके बाद से शुभ काम किया जाता है। अब खरवास उतर गया, परसों भाषण ओसन करके बिना वोटिंग कराए राष्ट्रपति जी को दे दीजिए। राष्ट्रपति जी अब हम लोग से पूछेंगे कि वैकल्पिक सरकार कौन कौन मिलके बना रहे हो, ये हिसाब हम राष्ट्रपति जी को देंगे, आडवाणी जी को नहीं। ये है वेल 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 एस्टैब्लिश पार्लियामेंट्री नॉर्म से ही है, और आपका इसमें इज्जत बच जाएगा, पीठ में धूरा लगने से अच्छा है सीधे जाके वहां दे दीजिए, इज्जत बच जाएगा कि आरएसएस ने आपको चलने नहीं दिया, देश का नाश आपने कर दिया, सत्यानाश पर पहुंच गया। हम लोग कुछ नहीं चाहिए, हम लोगों को सुन लीजिए, मुलायम सिंह यादव को सांप्रदायिकता के खिलाफ एक एक कतरा खून जब तक हमारे शरीर में रहेगा
और इस बार हम चाहते हैं भारत से हमेशा के लिए सांप्रदायिकता का विदाई हो रहा है, दोबारा फिर आप आने वाले नहीं। हम लोग बनाएंगे, ई बनेंगे तो इनसे भी लड़ेंगे, हम बनेंगे तो हम भी लड़ेंगे, लेकिन अब आपके कोर्ट में भारत की जनता नहीं जाने वाली है। इसलिए आपने आप क्या विश्वास प्रकट लाए, आप नहीं लाए, वो तो राष्ट्रपति जी बोले। तीन महत्वपूर्ण पॉलिटिकल पार्टी, चौटाला जी का पार्टी मामूली पार्टी है, चौटाला जी का पार्टी वो लोकदल है, बिहार हरियाणा यूपी ये चारों तरफ हम लोग का, राजस्थान गुजरात हमारा ग्राउंड है, मोरल आपके पास ग्राउंड नहीं है, और देश के तेज तराक कहाँ गए सुब्रमण्यम स्वामी साहब, भले इनका संख्या नहीं हो, ये अकेले हैं, ये वही हैं जो किसी कवि के विषय में, बिहारी कवि के विषय में किसी कवि ने कहा था कि सत्संया के दोहरे और नावक के तीर, आ देखन में छोटे लगे भाव करे गंभीर। ये तो ये तीन पॉलिटिकल पार्टी राष्ट्रपति जी को जाके विड्रॉ कर लिया। बूटा सिंह जी तो पहले ही से बूटा सिंह जी, तो ये तीन पार्टी जब रिड्यूस हो गया, आप कांग्रेस को हमको क्यों ब्लेम करते हैं, आप तो समाप्त हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। ये हम देश की जनता को मालूम है, यहाँ भाषण चतुराई से आप नहीं कह सकते कि हम लोगों ने गिराया, ये तो आपके आप खुद आपका जो जिनका समर्थन था घट गया, आप खत्म हो गए, चलिए अब यहाँ से, हम क्या करेंगे नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे नहीं करेंगे उसकी चिंता आपको क्यों है, हम भैंस चरा के दूध के पी लेंगे बेच लेंगे आपको, लेकिन सत्ता पर हम नहीं रहने देंगे, जान लीजिए। इसलिए आपने रुके, अपने मन से आपने विश्वास मत प्रकट नहीं किया, देश के प्रधानमंत्री गृह मिनिस्टर साहब होम मिनिस्टर और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर गए राष्ट्रपति जी के यहाँ कि आप ऐसा मत करिए, आप कौन होते हैं करने वाले, वहाँ आपने तर्क दिया, हम लोग सब नेता गए तो हम लोगों ने तर्क दिया, आपने कुतर्क दिया और हम लोगों ने तर्क दिया, उदाहरण है प्रेसिडेंट है बीपी सिंह देवोरा जी, और हाल हाल में राबड़ी देवी बहुमत में, अब भंडारी जी बोले कि बिना फ्लोर ऑफ द हाउस में कॉन्फिडेंस लिए हुए आप बजट में हाथ नहीं लगा सकती, तो भारत एक, संविधान एक, राष्ट्रपति एक, तो बिहार में कुछ और यहाँ आप गए थे कुतर्क पेश करने, इसलिए राष्ट्रपति जी को जितना बधाई और धन्यवाद दिया जाए वो कम है, अभी वो जब हुकुम किए तब आप कागज लेके यहाँ पहुंचे हैं, और आपके विश्वास मत पर हम अब खत्म करते हैं, यही तो लास्ट था तब तक आप इंटरफेयर करके, तो ये है महोदय, इसलिए पूरे सदन से, अरे जो साधु बाबा लोग गोस्वामी लोग हैं आप लोग लग जाओ, इनसे निजात पाओ और ऐसा भारत बनाओ। अरे हमारे खुराना जी और हमारी बहन ए सुषमा जी, क्या हालत है सुषमा जी का, आपने कह दिया लीडर अपोजिशन खाली ए खुराना जी, अरे हमारी बहन तेज तराज सुषमा को कितना टॉर्चर हुआ, क्या टॉर्चर हो रहा है उस महिला का, ये व्यवहार है आपका, इसलिए जब आप परिवार नहीं चला सकते, देश की जिम्मेदारी आपके हाथों में हम ज्यादा दिन रहने देना नहीं चाहते हैं, इसलिए डट के हम लोग आपके सरकार को झटका नहीं, वोट में जबरदस्त एक मिनट में पटका देके और नई सरकार हम लोग बनाएंगे, और भारत की एकता खंडता धर्म निरपेक्षता पर आज नहीं आने देंगे, यही कह के हम अपना बात समाप्त करते हैं, अब लंच के लिए लोगों को छुट्टी कर। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब।